बच्चों नमस्ते। बच्चों क्या आपको पता है कि सफलता का रहस्य क्या है? हाँ, कोशिश। कोशिश करने वालों को सफलता अवश्य ही मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, पर वह पुनः खड़े होकर फिर से चलने की कोशिश करता है और फिर वह एक दिन चलना सीख ही जाता है। इसी प्रकार जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो कई बार गिरते हो, तुम्हारे घुटनों कोहनियों पर चोट भी लगती है, किंतु तुम उसकी परवाह किए बिना पुनः कोशिश करते हो और एक दिन साइकिल चलाना सीख ही जाते हो। यदि तुम गिरकर पुनः साइकिल चलाने की कोशिश नहीं करते तो क्या तुम साइकिल चलाना सीख पाते? नहीं ना। तो बार बार कोशिश करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इसी पर आधारित एक कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है हार नहीं होती। आप भी मेरे साथ दोहराइए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों कैसी लगी कविता? जोश आया ना पढ़कर? तो हमने इस पाठ में कुछ नए शब्द सुने, आओ इनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे रगो का मतलब होता है नसों, अखरना मतलब कमी महसूस होना, सिंधु यानी समुद्र, गोताखोर मतलब तैराक, उत्साह मतलब उमंग, हैरानी का मतलब आश्चर्य, असफलता मतलब नाकामयाबी, चुनौती का अर्थ होता है ललकारना, और संघर्ष का होता है मुकाबला करना। क्या? तो चलो अब हम इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों का मतलब है कवि कह रहे हैं कि अगर लहर देखकर मांझी डर गया तो वह नौका को कैसे पार करेगा, अर्थात डरने से कोई भी कार्य नहीं होता, कोशिश करके देखने वालों की हमेशा जीत ही होती है, वह कभी भी नहीं हारता। चलो इसका देखते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वह 100 बार फिसलकर गिरती है, परंतु कोशिश करना नहीं छोड़ती, उसके मन का विश्वास उसकी नसों में सांस भर देता है, इसलिए उसका चढ़ना गिरना उसे नहीं खलता है। अर्थात अगर हम विश्वास है तो हम कार्य करने में जरूर सफल होंगे, बशर्ते हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अंत में
चींटी के द्वारा की गई मेहनत सफल होती है और वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। अगला देखते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि एक गोताखोर मन में उत्साह लेकर समुद्र के गहरे पानी में उतरता है, पर उसे सरलता से मोती नहीं मिलते और वह खाली हाथ ही वापस आ जाता है। अपनी नाकामयाबी से उसमें दुना उत्साह भर जाता है और वह हिम्मत नहीं हारता, फिर प्रयास करता है। उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है और वह समुद्र से मोती निकाल लाता है। इस प्रकार निरंतर प्रयास करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अगला देखते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। अपने अंदर क्या कमी रह गई है उसे जानकर उसका सुधार करना चाहिए। अपने कार्य में सफल होने के लिए तुम अपनी नींद चैन सभी त्याग दो और लड़ाई का मैदान छोड़कर मत भागो, अर्थात संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो। बिना कार्य किए, बिना मेहनत किए किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती। निरंतर प्रयत्न करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। मतलब यदि कोशिश करते रहोगे किसी चीज़ को सीखने की, करने की, तो एक बार सफल नहीं होगे, दूसरी बार सफल नहीं होगे, मगर तीसरी बार सफलता अवश्य तुमको मिलेगी। बच्चों, आपने सुना ही होगा ये कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका मतलब है कि अभ्यास करते करते मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। जिस प्रकार कुएं पे आपने देखा होगा कि रस्सी खींचते रहते हैं पानी निकालने रहते हैं, तो उस पत्थर पे भी, सिल पे भी निशान पड़ जाता है। तो कभी भी प्रयत्न विफल नहीं होता है, निरंतर प्रयत्न करने वाले हमेशा ही सफल होते हैं। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ी, सुनी, अर्थ भी जाना, तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति का क्या आशय है? इसका उत्तर है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पंक्ति का आशय है कि लगातार कोशिश करने वालों की एक दिन जीत अवश्य ही होती है, वह कभी भी हारता नहीं है। अगला प्रश्न है, सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, सफलता पाने के लिए हमें हार की परवाह किए बिना निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। अब अगला प्रश्न देखो, यदि हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? बताओ तो, यदि हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने प्रयासों में की गई कमियों के बारे में पता चलता है। उन कमियों को दूर कर पुनः प्रयास करने से हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब अगला प्रश्न देखो, चींटी किस प्रकार संघर्ष करती है? बताओ तो, कैसे संघर्ष करती है? हाँ, चींटी दीवारों पर चढ़ती है और बार बार फिसल कर गिरती है, पर वह हिम्मत नहीं हारती, सतत प्रयास करती रहती है और अंततः उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाओ। जो दो खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुछ शब्द दिए हैं और खंड ब में कुछ वाक्य दिए हैं। शब्दों को वाक्यों से मिलाओ। तो देखो, अ में कौन कौन से शब्द हैं? नौका, चींटी, गोताखोर,
असफलता। अब खंड बा में देखो कौन कौन से वाक्य हैं। एक चुनौती है, लहरों से डरती नहीं है, 100 बार फिसलती है और सिंधु में डुबकियां लगाता है। तो देखते हैं कौन से शब्द कौन से वाक्य से मिलता है। नौका, हाँ, लहरों से डरती नहीं है। दूसरा देखो, चींटी, बिल्कुल सही, 100 बार फिसलती है। अब देखो गोताखोर, हाँ, सिंधु में डुबकियां लगाता है। और असफलता, एक चुनौती है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द चुनकर लिखो। शब्द देखो, अग्नि, चांद, मन, काष्ठ, लहर, सिंधु, नींद, हाथ, गाय, दर्शन, चरण। तो बच्चों तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द। संस्कृत से ज्यों के त्यों जब हम शब्द को लेते हैं हिंदी में तो वो तत्सम शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द वो जो हम अपनी भाषा में उन्हें बना लेते हैं, मतलब कुछ बदल देते हैं, वैसे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तो इनमें से देखो तो तत्सम कौन कौन से हैं और तद्भव कौन कौन से हैं। अब देखते हैं इसमें तालिका बनाकर, तालिका बनाते हैं जिसमें एक तरफ रहेंगे तत्सम शब्द और दूसरी ओर तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में पहले अग्नि, फिर काष्ठ, फिर देखो सिंधु, फिर दर्शन और अंत में चरण। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही हैं जैसे हिंदी में। अब तद्भव शब्दों को देखते हैं, चांद, मन, लहर, नींद और हाथ, बिल्कुल सही। बच्चों अब आपने अभ्यास कार्य किया, अब चलते हैं गृह कार्य की ओर जिसे आपको अपने घर में करना है। तो पहला प्रश्न देखो, कवि चैन की नींद त्यागने के लिए क्यों कह रहा है, लिखो। अगला प्रश्न है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों। अगला प्रश्न देखो, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम क्या क्या तैयारी करते हो, इसे लिखो। अगला प्रश्न देखो, जिन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी, ऐसे व्यक्तियों की सफलता की कहानी खोजकर लिखो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहिए।